डेब्यूटेस्ट खेल रहे लेफ्टी आर्म स्पिनर लसिथ एम्बुलेनिया और विश्वा फर्नांडो की शानदार गेंदबाजी के दम पर श्रीलंका ने यहां पहले टेस्ट के तीसरे दिन दक्षिण अफ्रीका को उसकी दूसरी पारी में 259 रन पर रोक दिया। श्रीलंका ने दूसरी पारी में दिन का खेल खत्म होने तक 3 विकेट पर 83 रन बनाए थे। खराब रोशनी के कारण तीसरे दिन का खेल तय समय से पहले रोकना पड़ा। स्टंप्स के वक्त ओशाडा फर्नांडो 28 और कुशल परेरा 12 रन बनाकर खेल रहे थे। कप्तान दिमुथ करुणारत्ने 20, लाहिरु थिरिमाने 21 और कुशल मेंडिस खाता खोले बिना आउट हुए। दक्षिण अफ्रीका की ओर से वर्नोन फिलैंडर, कगिसो रबाडा और डुआने ओलेवर को एक एक विकेट मिले हैं। श्रीलंका को जीतने के लिए बनाने हैं 221 रन। मेहमान टीम को अभी मैच जीतने के लिए 221 रन और बनाने हैं, जबकि उसके 7 विकेट शेष हैं। दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 235 रन बनाए थे। श्रीलंका की पहली पारी 191 रन पर ऑल आउट हो गई थी। इस हिसाब से श्रीलंका को जीत के लिए 304 रन का लक्ष्य मिला। दक्षिण अफ्रीका स्कोर 72.4 ओवर में 251/6 और 79.1 ओवर में 259/10। एक समय दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 191 रन पर 5 विकेट था। उसका 6ठा विकेट वर्नोन फिलैंडर के रूप में गिरा। उस समय टीम का स्कोर 251 रन था। फिलैंडर ने 18 रन बनाए। 90 रन के निजी स्कोर पर फॉप डुप्लेसिस विश्व फर्नांडो का शिकार हो गए। उस समय टीम का स्कोर 255 रन था। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका का कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर टिक नहीं पाया और आखिरी के 3 विकेट पर महज 4 रन ही बना पाए और पूरी टीम 79.1 ओवर में 259 पर पवेलियन लौट गई। दक्षिण अफ्रीका के 5 खिलाड़ी दहाई के अंक तक नहीं पहुंच पाए। फॉप डुप्लेसिस दक्षिण अफ्रीका के टॉप स्कोरर। दक्षिण अफ्रीकी कप्तान फॉप डुप्लेसिस ने सबसे ज्यादा 90 रन बनाए। उनका यह कुल 18वां और इस मैदान पर पहला अर्धशतक है। उन्होंने 182 गेंदों की पारी में 11 चौके लगाए। उनके अलावा क्विंटन डिकॉक ने 55, डी नेलगर ने 35, एडेन मार्करम ने 28, वर्नोन फिलैंडर ने 18 और हाशिम अमला ने 16 रनों का योगदान दिया। श्रीलंका की ओर से एम्बुलेनिया और फर्नांडो के अलावा कसुन रजिथा ने 1 विकेट हासिल किया।